प्रत्येक ब्लॉकचेन नेटवर्क ट्रांजैक्शन शुल्क लेता है। हालांकि स्मार्ट ब्लॉकचेन आपको स्मार्ट सिक्के पर बचत करने की अनुमति देता है और ट्रांजैक्शन सर्विस के लिए ब्लॉकचेन को भुगतान नहीं करना होगा। इसके लिए आपको स्मार्ट को स्टेक पर लगाना होगा या दूसरे शब्दों में इसे फ्रीजो करना होगा। स्मार्ट ब्लॉकचेन पर स्टेकल करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता नेटवर्क के संचालन को बनाए रखने और इसके लिए प्रमुख नेटवर्क संसाधन प्राप्त करने के लिए अपने स्मार्ट सिक्कों को फ्रीज कर देते हैं, बैंडविड्थ और एनर्जी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रांजैक्शन करने और नेटवर्क के भीतर सभी ट्रांजैक्शन के लिए उनकी आवश्यकता होती है। बचत करने के लिए, एनर्जी के लिए बस 50,000 से 1,00,000 स्मार्ट और बैंडविड्थ के लिए 5,000 से 10,000 फ्रीज करें और स्मार्ट ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन और अन्य ट्रांजैक्शन मुफ्त में करें। तो इस निर्देश में हम देखेंगे कि एनर्जी के लिए स्मार्ट को कैसे फ्रीज किया जाए। फ्रीजिंग शुरू होने से पहले हम आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि यदि आप सक्रिय रूप से स्प्लिटिंग में संलग्न होने की योजना बना रहे हैं तो आपके बैलेंस पर 10,000 अनफ्रोजन स्मार्ट रखने की अनुशंसा की जाती है। स्मार्ट वॉलेट खोलें, स्मार्ट कॉइन स्क्रीन पर जाएं, फ्रीज विजिट पर क्लिक करें। खुलने वाली स्क्रीन पर फ्रीज बटन पर क्लिक करें। इसके बाद स्मार्ट की वह मात्रा दर्ज करें जिसे आप फ्रीज करना चाहते हैं और चुनें कि आप कौन सा संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं, एनर्जी या बैंडविड्थ। स्मार्ट ब्लॉकचेन में बैंडविड्थ एक ऐसा संसाधन है जो नेटवर्क पर सभी ट्रांजैक्शन के लिए आवश्यक है। बैंडविड्थ में ट्रांजैक्शन के लिए भुगतान करते समय आपको स्मार्ट को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट ब्लॉकचेन में एनर्जी एक संसाधन है जिसका उपयोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ सभी कार्यों को करने के लिए किया जाता है। स्प्लिटिंग के साथ ट्रांजैक्शन, अल्टीमा टोकन आदि। एनर्जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाने के लिए ईंधन की तरह है। आइए स्प्लिटिंग ट्रांजैक्शन को निःशुल्क बनाने के लिए एनर्जी का चयन करें और जारी रखें बटन पर क्लिक करें, फिर फ्रीज ट्रांजैक्शन की पुष्टि करें। यदि आपने सब कुछ सही ढंग से किया है तो आपको पुष्टि दिखाई देगी कि सिक्के सफलतापूर्वक फ्रीज कर दिए गए हैं। फ्रीज हुए सिक्के स्मार्ट स्क्रीन पर दिखाई देंगे। कृपया ध्यान दें कि एनर्जी और बैंडविड्थ के लिए स्मार्ट को अनफ्रीज करना 14 दिनों के बाद उपलब्ध होता है।